शिष्य आदरणीय प्रकाश जाधव साहेब आहे, करतील अशी मी त्यांना विनंती. भारत मे सबका मनोरम भाई होगा, बाल बागा नहीं हो सकता, याद रखना. प्रवक्ते आदरणीय बांगा साहेब यांचं आशिक बांगा जी यांना सुद्धा अधिक स्वागत मंचावर येण्याची घोषणा करावी. त्याचप्रमाणे युवा महाराजीचे मुख्य प्रदेश अध्यक्ष सचिनभाई मोहितजी यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण कृपया मंचावर यायचं. आम्ही मनपूर्वक तुमचं स्वागत या ठिकाणी करतो. ती मोठी चांगली ताकद घेऊन आले, एवढा सुंदर त्यांनी कार्यक्रम उभा केला. मी आता त्याच्या पुढे जाऊन सोहेलजींना सांगू इच्छितो की आता रिपब्लिकन पक्षामध्ये तुमचं कौतुक केलं जाईल, याच्यामध्ये वाद नाही. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहेबांच्या पक्षाच्या वतीने मुंबई उपाध्यक्ष हरीश जी मांडवीकर साहेब यांच्यातर्फे 5,000 रुपये धन्यवाद. एक यानंतर मुंबई प्रदेशच्या आमच्या महिला आघाडीच्या मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अंशाताई रामलू आईसाहेब यांचं स्वागत. जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जाधव साहेब हे अंशाताई रामलू यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील. स्वागत करून मला वाटतं आपण हा दलित मुस्लिम एकता परिषद का, तर दलित आणि मुस्लिम हा समाज एकाजी यांचे सांसद हमारे शिवसेना के सांसद है जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें. सिद्धार्थ तासारे जी हेमंत दलित मुस्लिम एकता परिषद का एक कार्यक्रम है. हम हाथ जोर से उठाकर बोले जय भीम जय भीम जय भीम. मुसलमानों का असलियत का इथे आम्हाला आमंत्रित करतात आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि भारतीय जनता पार्टीची किमान शिवसेनाची युती हे आमचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजींचा संकल्प आहे. किती पिछड़ा वर्ग आहे. राष्ट्रीय नेते केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि आजच्या प्रसंगी उपस्थितले यावेला, परंतु दलित मुस्लिम एकता परिषदेच्या निमित्ताने मी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने मुंबईच्या अध्यक्ष आमच्या उषाताई रामलू, रमेशजी गायकवाड, हरिहरजी यादव, गौतम भाऊ सोरणे, मारुती सरचिटणीस, हरिय बाबळकर आणि बंधू आणि भगिनी खऱ्या अर्थाने आता वेळ झालेला आहे. सोहेल भाईनी शेख यांनी मुंबईचे उपाध्यक्ष आमचे यांनी जे सहकार्य केलं आणि त्यांनी सांगितलं की आपण आठवड्या साहेबांनी सांगायचं हेमंत भाऊ रणपिसे
यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि या जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रकाश जाधव, अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नामदार आठवले साहेब यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आज सोहेल शेख यांच्याबरोबर प्रकाश जाधव जिल्ह्याचे अध्यक्ष हेमंत रिपिशे यांनी जो आयोजित केलेला हा दलित मुस्लिम एकता परिषद ही जी आहे त्या दलित मुस्लिम एकता परिषदेला मी रिपब्लिकन पक्षाचा महाराष्ट्राचा सरचिटणीस या नात्याने हार्दिक शुभेच्छा देतो. या कार्यकारी आहेत परंतु जे माझे परिचित आहेत माझ्या जिल्ह्यातले आहेत आयोजक सोहेल शेख आणि प्रकाश जाधव सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आठवले साहेबांना आपल्याला सर्वांना ऐकायचं आहे. दलित मुस्लिम एकता हा विषय आठवले साहेबांनी कधी सोडलेला नाही, पहिल्यापासून घेतलेला आहे. या मुंबईमध्ये मी लहरापासून काम करतो आणि मला आठवतात ते आठवले साहेब की अन्यायाच्या विरोधात पददलितांसाठी दलित पॅन्थरच्या द्वारे त्यांचा संघर्ष मी फार जवळून बघितलेला आहे आणि संघर्षातून तयार झालेला हा नेता जो आहे हा नेता कधी कस खात नाही, कधी माघार घेत नाही. संघर्षमय जीवन जगण्यानंतर देखील आज केंद्रामध्ये मी खासदार असताना त्यांच्याकडे जे खातं आहे त्या खात्याला पूर्णपणे ते न्याय देतात किंवा निवळ त्याला गोर गरिबांच्या पतितदलितांबद्दलची आस्था आहे म्हणून आज या ठिकाणी दलित मुस्लिम एकता परिषद म्हणजे एका बाजूला कुराण दुसऱ्या बाजूला संविधान, कुराण आणि संविधान दलित आणि मुस्लिम या देशामध्ये एक जर झाले तर ह्या देशाचे ते सिकंदर बनू शकतील तेवढी मजबूत ताकद आहे. आणि म्हणून ही परिषद ही आज ह्या ठिकाणी जी झालेली आहे ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरली पाहिजे, देशभर पसरली पाहिजे आणि ह्या दलित मुस्लिम एकता परिषदेसाठी या ठिकाणी कार्य करणारे कार्यकर्ते पदाधिकारी त्यांचे दोन्ही समाजाचे नेते मंडळी यांना खासदार म्हणून ह्या भागातील जेवढी म्हणून मदत करता येईल तेवढी मदत करण्याचं अभिवाचन आज या परिषदेच्या निमित्ताने आठवले साहेबांच्या साक्षीने देतो आणि अपेक्षा करतो रामदास आठवले या देशामध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून आणखीन वर्षात टप्पा गाठावा अशा तऱ्हेची आमची भावना या ठिकाणी निव्वळ व्यक्त नाही करणार तर तशा तऱ्हेची मागणी आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांना देखील मी करायला लावीन. अशा तऱ्हेचं नातं आमचं आणि रामदास आठवले साहेबांचं आहे. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा, आयोजकांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय भीम. संविधान वाचनाचं असेल तर आपल्याकडे साहेब आलेले आहेत. हो दे बाप.
परिषद का आयोजन यहाँ दिया गया है और यहाँ गजानन कीर्तिकर जी जो इस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो असली शिवसेना है, असली शिवसेना के नेता एमपी गजानन कीर्तिकर जी है, ये तो सेना असली है लेकिन वो सेना नकली सेना है। तो कोयल जो हमारे है, मतलब जो जो आदमी है नए, जो आदमी है नए, उनका नाम है कोयल सिंह। जो अपने काम में कभी नहीं होता है फेल, जो अपने काम में कभी नहीं होता है फेल, उसे बोलते हैं शेख सोहेल। जो दलित मुस्लिमों का करते हैं अच्छा मेल, जो दलित मुस्लिमों का करते हैं अच्छा मेल, वही मेरे बाजू में खड़े हैं सोहेल। जो आरपीआई की बस्ती है फेल, वहां जरूर पहुंचते हैं सोहेल। तो आज यहाँ अच्छा प्रदर्शन आपने किया, वक्त कम है, पहले भाषण कुछ लोगों के होना चाहिए था, लेकिन जब तक मैं आता नहीं तब तक सब लोग राह देखते बैठते हैं। और 10 बजे माइक मतलब भाषण हमारा पूरा करना पड़ता है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को भी मानना चाहिए, कानून को भी मानना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, दलित मुस्लिमों की एकता इसलिए हमें करनी है। भारत देश को सही दिशा से ले जाने वाले नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी सभी जाति वर्गों को साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा है कि 10 साल में देश का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, जो जनधन योजना है, जो आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है, मुद्रा योजना है, उसका फायदा हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबके लिए इसका फायदा हुआ है। जो 10% आरक्षण देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जो मेरे मंत्रालय का विषय था, जो मतलब EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग है, जो फैमिलीज है, उनको शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण देने का ये निर्णय है। और बातें तो चलती रहती है कि भाई मोदी जी ये बीजेपी दलित और मुसलमान के विरोध में है, ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, इसी तरह की बकवास की बातें की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इतना मजबूत है, कोई भी उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगी उसका हाथ काटने की ताकत हम सब लोगों में है, और इसीलिए कोई संविधान को हाथ नहीं लगाएगी, संविधान को हाथ लगाएंगे तो आग लग जाएगी। हमारे लोग गरीब लोग है, लेकिन हम लोग एक बार अगर शैतान बन जाते हैं तो किसी के बाप को हम नहीं तो सुनते हैं, और किसी के बाप में ताकत नहीं है कि संविधान को बदलने की। तो इसी तरह ये कांग्रेस वाले प्रचार करते हैं, वो 70 साल सत्ता में रहे, मैं भी उनके साथ था, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस में कुछ दम नहीं रहा था, इसीलिए मोदी में बहुत ज़्यादा दम है, मोदी जी में बहुत है ज़्यादा दम, और मैं भी नहीं हूँ कुछ कम, इसलिए मतलब ये दम और गम वाले एक साथ आए हैं, और हम सब लोग देश को आगे बढ़ा रहे, जितनी गालियां देना है उतनी गालियां दे दो। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए, अजीत दादा यहाँ हमारे साथ आए, क्यों आए, उधर रहने से कुछ फायदा नहीं था, मैं इनके पास क्यों आया, कांग्रेस के पास रहने में कुछ फायदा नहीं था, लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे जी को 40 MLA को तोड़कर और 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को साथ में लाकर उन्होंने बहुत बड़ी
डेरिंग किया है, शिवसेना में बहुत बड़ी डेरिंग है। बाला साहब ठाकरे जी होते थे, बाला साहब ठाकरे जी उसके पीठ पर पीठ थपथपाते थे कि तो बहुत बड़ा मतलब स्ट्रांग आदमी है और मेरे लड़के जो तो बहुत बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि लड़के के पास खाली 14 MLA रह गए हैं, 14 या 15 MLA रह गए हैं और इनके पास 40 MLA है। तो इतना बहादुर आदमी एकनाथ शिंदे जी है और बहुत चुपचाप रहकर उन्होंने ऐसा 2.5 साल में किया, ऐसा पलटा फिर दिया कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को मतलब मुख्यमंत्री पद का जो इस्तीफा से देना पड़ा। और उद्धव ठाकरे जी अगर हमारे साथ आते थे तो ऐसा नहीं होता था। शरद पवार साहब हमारे साथ आते थे तो अजय दादा इधर नहीं आते थे, तो पवार साहब ने पहले हमारे साथ आना चाहिए था। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ आकर सरकार बनाने की आवश्यकता थी। मैं बार बार उद्धव जी को बोल रहा था कि आप इधर आइए, आप इधर आइए, नहीं बोले मैं उधर जा रहा हूँ। अरे मैं बोला मैं उधर से इधर आया और तुम उधर क्यों जा रहे हो, मैं उधर ही था, मैं उधर क्यों, मैं इधर आ गया और तुम उधर से जा रहे हैं। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पर झंझावात की गिरफ्तार करने का काम किया था, शिवाजी पार्क मैदान में जब दसरा मेला हुआ में बाला साहब की जो भाषा होती थी, स्पीच होता था बहुत ही तगड़ा होता था, बाला साहब का स्पीच सुनने के लिए बहुत सारे नौजवान लोग आते थे। शुरू में हमारे बौद्ध समाज के भी बहुत सारे तरुण गजानन कीर्तिकर जी मतलब आप शिवसेना में थे, जब हम दलित प्रांतर बनी तो दलित प्रांतर वो सब लोग आए थे, लेकिन बाला साहब कभी दलित का विरोध नहीं करते थे। बाला साहब ने मुझे बोला था कि शिव शक्ति भिन्न शक्ति एक होनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया। मैंने सभी लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे सब ने बोला कि बाला साहब का प्रस्ताव बहुत अच्छा है और बाला साहब के प्रस्ताव का सपोर्ट करिए। और फिर मैंने भीम शक्ति शिव शक्ति का निर्णय लिया, शिवसेना बीजेपी के साथ में आ गया और युति की महायुति बन गई है। इसीलिए ये महायुति जो है, महायुति अभी हमारी आगे जा रही है। सीटों पर थोड़ा विवाद हो रहा है लेकिन विवाद तो होता ही है, विवाद होने के बाद भी हम मतलब पूरा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए 45 सीटें हमें चुनकर लानी है और मतलब सीटों का बंटवारा जो है ये बंटवारा जल्दी जल्दी होना चाहिए। मेरे पार्टी को भी 2 सीट मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और इसी तरह हम भी हमारी भी सूचना है, हमारी पार्टी गांव गांव में है, शहर शहर में है, बस्ती बस्ती में है। हमारी पार्टी की ज़्यादा MP नहीं है, हमारी पार्टी के 2 MLA लेकिन वो कमल शिमोल पर चुनकर आए थे, लेकिन अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं कमल पर लड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे सिंबल पर मैं लड़ने वाला हूँ। मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ था तब मैं मेरे सिंबल पर ही लड़ा था, मैं एक बार खटारा पर लड़ा था, लोग बोल रहे थे खटारा कैसा मतलब दिल्ली पहुँचेगा, मैं बोला देखो मैं खटारा को कैसा उठा कर ले जाता हूँ। तो ये खटारा मतलब दिल्ली जाकर पहुँचा था, मैं पंडरपुर से मैं 2 बार चुनकर आया था, एक बार खटारा पे आया था, एक बार उठे सूरत पर चुनकर आया था, एक बार मुंबई से मैं चुनकर आया था। और तब हमारे RPI के 4 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे, हमारे बाला साहब अम्बेडकर जी भी थे, दूसरे हमारे अरे गोविंद साहब थे, योगेंद्र गवाड़े थे, मैं भी था, हमारे 4 MP चुनकर आए थे। लेकिन आज लेकिन हम लोगों को एक साथ रहने की आदत नहीं है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, फिर मैं भी सोचता हूँ कि अगर उधर गए हैं तो मैं इधर जाता हूँ। तो ये हमारे लोग ऐसा करते रहते, एक साथ नहीं रहते हैं और अपनी समाज की ताकत कमजोर होती है। लेकिन मैं जब भी यूनिटी की बात आती है तब मैं तैयार रहता हूँ, कोई भी आदमी अध्यक्ष बने मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह मतलब हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है और दलित यूनिटी अगर होती है, माइनॉरिटी भी हमारे साथ अगर आते हैं, और हम माइनॉरिटी की बात तो करते रहते हैं लेकिन वोटिंग हमको मिलता नहीं है माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी वाले हमारे साथ आते नहीं है, माइनॉरिटी वाली सभा में आते हैं, भाषण सुनते हैं, अटोरी साहब अच्छे आदमी बोलते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो वो ज़्यादा वोट हमको नहीं दे देते हैं। लेकिन वो भी सोयल अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है, हम मुसलमान के साथ है, नरेंद्र मोदी जी मुसलमान के साथ है और ये कांग्रेस वाले आपको भड़काने का काम करते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने शांति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं और इसीलिए हम सब लोग जो है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी,
बहुत बड़े एक्टिव नेता है, बहुत बड़े हमारे डिप्यूटी सीएम भी है, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है। हमारे अमित शाह जी अभी आए थे और मोदी साहब भी कुछ दिनों के बाद इधर आएंगे, तो इसी तरह मतलब अपने को पार्टी को अच्छी तरह बढ़ाना है। और आज यहाँ हमारे प्रकाश जाधव जी है, गौतम सोनोनी इधर आए हैं, सिद्धार्थ कासारे है, दूसरे हमारे अंसारी जी रशीद अंसारी जी है, वो हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी है, और बाकी के मुश्ताक बाबा है, ये मुश्ताक है लेकिन बाबा नहीं पलटा पलटा है। कोण आले ते तर पाहिजे ना तिकीट कोण कोण आले माझं ते फोटो मानते औषध आहे, रामुलो आहे, रेश्मा खान आहे, जया खंडाकडे आहे, संजय खंडाकडे आहे, समीर किल्लेदार आहे, राजेश चौगुले, युसुफ बेहतर, आणि कोण आहे, शफीक रंगोली, शफीक रंगोली, अरे कडे सांग सगळे सतीत रंगोली, अरे बाळासाहेब गरुडीत आलेले आहे, जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, अरे नाव घेतले जात आणि लोक व्यक्तिपत्र देऊन त्याला सन्मान करताय। सर 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 या तुम अपने चक्कर में नहीं, सर प्रेम खराब ये का पूरा प्रेम ही ये काड़ा ना ये कुणा दिया जाए या ठिकाणी कार्यक्रम संपूर्ण आहे, एक मिनिट थांबा, त्याचप्रमाणे सविता इंगोळे, राजेश चौगुळे, गोविंद माने, इब्राहिम नाईकुडी, सुरैया नौशाद यांना विनंती आहे त्या स्टेजवरती या, बाकी त्यांना नंतर या ठिकाणी मान्यवर देतील, नाईकुडी या सविता इंगोळे, शाहिद खान, बाकी सगळ्यांमध्ये सगळे थांबायचं आहे की येणाऱ्या 9 तारखेला